हाय, मेरा नाम देवेंद्र है और आज मैं आपको एक नई मेमोरी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि पीछे से रॉबर्टर का जो TDS है वो कितना है। ये बहुत हाई TDS है इधर जहाँ हम इसको यूज करने वाले हैं। ये यहाँ 3700 अभी रीडिंग बढ़ रही है इसकी। यहाँ 3700 के आसपास TDS है, 3700 से ऊपर ही है वैसे। और अभी मैं आपको वो TDS दिखा देता हूँ जो यहाँ पहले मेमोरी लगी हुई थी, उसको चेक करके दिखा देता हूँ। ऐसे जो मेमोरी है उसका फ्लो ये आ रहा है ड्रॉप में। ये इसको रिड्यूस करके 3700 TDS को 600 के लगभग लेके आई है, 596-600 के आसपास। और मैं आपको नई मेम्ब्रेन डाल के दिखाऊंगा इसमें, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे, वो कितना रिड्यूस करती है, कितना क्या करती है। अभी जस्ट मैंने मेम्ब्रेन निकाली है इसमें से, ये निकली है CSM80। इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है और बहुत ही गंदा पानी है। आप हाउसिंग की भी कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक पड़ गई है। बट अभी मैं यहाँ एक नई मेम्ब्रेन यूज करूंगा जिसका नाम है मेम्ब्रेला। ये 80GPD में है, इंपोर्टेड है और बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस बताई जा रही है, पर बताने से कुछ नहीं है। मेन चीज है प्रैक्टिकल करके खुद देखना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको डाल के। अभी मैंने वो नई मेम्ब्रेन लगाई है, उसका वेस्टेज से थोड़ा सा झाग निकल रहा है, वॉश हो रही है अंदर वो। अब इस पाइप से इसका प्योर वाला फ्लो आएगा। ये मेम्ब्रेन जो मैंने डाली है इसका फ्लो है, आप देख सकते हैं कि ये जो पहले CSM80 पड़ी थी उससे कहीं ज़्यादा है। और इसका हम TDS अब चेक करते हैं। ये 3700 TDS पर रिजल्ट है इसका, 280 तो इसका आ गया और धीरे धीरे लेस भी होता रहेगा इसका। और आप अगर देखेंगे कि ये पंप है, ये पुराना पंप है, रिपेयर पंप है। और यहाँ जो मेम्ब्रेन की पहले की जो हालत थी, ये उस कंडीशन के पंप है जहाँ पूरे एक साल चला है। कितना गंदा पानी है इधर का, आप सोच सकते हैं। और इस पानी पर कस्टमर का कहना था कि सभी चाय दूध सभी फट जाती थी जिसमें डालते थे इसको। इतना अच्छे हाई TDS पर इतना अच्छा रिजल्ट शायद ही किसी मेम्ब्रेन का हो। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस मेम्ब्रेन को इम्पोर्ट किया, जो इसको सेल कर रहे हैं और उनको जो भी इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, थैंक यू। इससे पहले भी मैं हर 2-3 महीने में मेम्ब्रेन चेंज करता रहा हूँ इसी मशीन के ऊपर, क्योंकि यहाँ TDS बहुत ज़्यादा था और सॉल्ट कुछ ही दिनों बाद डिपोजिट हो जाता था। मेम्ब्रेन की कंडीशन देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर कितना गंदा पानी है। इससे पहले भी मैं मेम्ब्रेन और भी जगह लगाई है, पर मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया और मुझे लगा कि ये सच में बहुत अच्छी मेम्ब्रेन है। तब मैंने जाके इसको काफी रिजल्ट के बाद तब मैंने आज ये वीडियो बनाई है, जिससे और लोगों को भी इसके बारे में पता चले और जहाँ बहुत हाई TDS है उस जगह पे वो यूज करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकें। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी वीडियो को या ऐसे देख के मत विश्वास कीजिए। आप जिनके यहाँ हाई TDS है और जो बार बार मेम्ब्रेन बदल के परेशान हो चुके हैं, वो खुद अपने लिए मेम्ब्रेन को ऑर्डर कीजिए और प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। उसमें ये नहीं है कि प्रमोशन के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। सबसे अच्छा रिजल्ट है, सबसे अच्छा बेहतर काम ये रहेगा कि आप खुद अपने लिए एक या दो पीस जो भी है अपना मेम्ब्रेन मंगाएं, उसका रिजल्ट देखें, उसके बाद ऑर्डर करें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।